यहाँ राज किया था भगवान श्री कृष्ण जी ने और राधा रानी जी ने। ये वो स्थान है जहाँ राज किया था गोपियों के साथ, हर गोपी राधे। यहाँ श्री कृष्ण जी की बंसी चोरी की थी राधा रानी जी ने, यहाँ राज करते थे 108 गोपियों के साथ। और वो राधे को दिखाते हैं, राधे राधे। विधि वन के गेट के अंदर एंट्री हो गई है। इधर भाई ये जूते चप्पल वगैरह रख सकते हैं। और ये एग्जिट गेट है रंग महल, वो कुआ है जहाँ से गोपियाँ पानी भर के कृष्ण जी को पिलाया करती थी। राधे राधे दोस्तों। तो भाई अभी परिक्रमा कर रहे थे, तो भाई रास्ते में अभी निधिवन आए हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बन रही है ये। और तो भाई अभी निधिवन के रास्ते पे हैं, यहाँ से 50 मीटर अंदर है निधिवन, सॉरी 50 बोल रहा हूँ, 100-150 के आसपास है। तो अभी चल के आपको पूरा निधिवन दर्शन करवाते हैं और बताते हैं उसके बारे में अंदर चल के। निधिवन के गेट पे पहुंच गए हैं, ये सामने निधिवन का गेट है। आप भीड़ देख सकते हो भाई पीछे की तरफ, आगे भीड़ है, बहुत कम भीड़ है, भीड़ तो है ही नहीं मतलब ये समझ लो। तो अभी भाई 12 बजे बंद हो जाएगा और 4 बजे के आसपास खुलेगा ये। तो चलते हैं भाई अभी आगे और आपको भाई पूरा दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं। निधिवन के गेट के अंदर एंट्री हो गई है। इधर भाई ये जूते चप्पल वगैरह रख सकते हैं। और ये एग्जिट गेट है रंग महल, इधर है भाई, ये इधर से प्रवेश होगा अपना, एंट्री इधर से होगी। और इधर से एंट्री करके आपको भाई पूरा निधिवन घुमाते हैं, अच्छे से बताते हैं, और रंग महल दिखाते हैं, मंदिर दिखाते हैं जहाँ राज करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी, वो भी दिखाते हैं गोपियों के साथ, आपको सब कुछ अच्छे से दिखाते हैं। निधिवन की शुरुआत हो चुकी है, ये पेड़ देख सकते हो, ये यहाँ अभी नहीं आगे की तरफ करते थे राज करते थे जो। तो आप यहाँ पेड़ों की बनावट देख सकते हो, बड़े अजीबोगरीब तरीके की हो रखी है। तो भाई ये पेड़ सोच सकते हो 5,500 साल पुराने, मतलब जब श्री कृष्ण जी यहाँ से चले गए उस टाइम गोपियाँ पेड़ टेढ़ी बन गई, लेकिन डेली रात को आते थे यहाँ राज करने के लिए, यहाँ से तो चले जाते थे। ये अभी धीरे धीरे चलते हैं आपको और आगे दिखाते हैं, राधे राधे। ये भाई वो कुआ है जहाँ से गोपियाँ पानी भर के कृष्ण जी को पिलाया करती थी थकने के बाद। ये देखो भाई निधिवन के अंदर बीचों बीच है ये वाला कुआ, आप आके दर्शन कर सकते हो यहाँ। और अभी चलते हैं यहाँ से आगे, धीरे धीरे आपको भाई दिखाते हुए चल रहे हैं। यहाँ ये देखो भाई बंदर बंदर, और ये भाई इधर ये मंदिर पड़ता है, पहला मंदिर। यहाँ से प्रकट हुए थे बाकी बिहारी जी, यहाँ से डेली वो करते हैं रासलीला करने आते हैं। राधे 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 राधे। वो जहाँ से पानी भर के पिलाया जाता था, राधा जी पिलाती थी यहाँ से। और ये देखो भाई ये जहाँ राज किया जाता है, वो सब गोपियाँ पेड़ में जो तब्दील हुई थी, ये वो जगह है यहाँ राज करते थे 108 गोपियों के साथ। और राधे राधे लक्ष्मी जो राधा है स्वयं कृष्ण। चलो चलो शीशा में देख लेते अपने आप को, मोहित हो गए और राधा रानी हृदय में तीसरा जड़ों में कुछ नहीं है, पत्ता सा भरा है गंदा जाने। देखो भाई जी यहाँ से ये रंग महल है, रंग महल का मंच जहाँ शैया लगी हुई है और जहाँ सोते थे, ठीक है ये रंग महल है भाई। अभी चलते हैं अंदर और आपको थोड़े से दर्शन करवाते हैं यहाँ से। ये निधिवन के पेड़ देखो भाई, कोई भी सीधा नहीं है भाई, सब टेढ़े मेढ़े दूसरे से जुड़े हुए हैं यहाँ से। तो भाई रंग महल जहाँ श्री राधा रानी जी अपना श्रृंगार वगैरह करती थी। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए आपको निधिवन दिखाते हुए धीरे धीरे चल रहे हैं। ये देखो भाई पेड़ों की बनावट तो देखो आप, एक दूसरे से मतलब ऐसे जुड़े हुए हैं कि जैसे पता नहीं सदियों का
जी कोई मेल हो, चलते हैं। वैसे देखने लायक जगह है, बहुत बढ़िया जगह, चलते हैं भाई। पत्ते वगैरह तोड़ नहीं सकते इधर से। ये देखो भाई इधर, ये जो शाखा आ रखी है, बाहर आ रखी है, ये मिट्टी लेके जाना गलत लगता है मेरे को। मिट्टी नहीं लेनी चाहिए यहाँ की। देखो भाई बीच में अपना हाथ जोड़ो और निकल जाओ। देखो भाई मिट्टी ले जा के कितना गड्ढा कर दिया, कितना गहरा गड्ढा हो गया। इधर भाई कीर्तन हो रहा है, ये मगन हो रखे हैं इधर सब। और यहाँ का ये देखो, यहाँ रास किया था भगवान श्री कृष्ण जी ने और राधा रानी जी ने। ये वो स्थान है जहाँ रास किया था गोपियों के साथ। हर गोपी के साथ श्री कृष्ण जी थे यहाँ, हर एक गोपी के साथ, राधा रानी के साथ, हर एक गोपी के साथ। ये वो स्थान है रास करने वाला। और ये देखो मनोकामना पात्र, यहाँ श्री कृष्ण जी की बंसी चोरी की थी राधा रानी जी ने। आप देख सकते हैं, बाहर से ही दिखाते हैं भाई थोड़ा आपको, मुझे लगता है किसी ने देख लिया तो। ये एक संत की समाधि है यहाँ, जहाँ बाके बिहारी जी को प्रकट किया गया था। तो भाई प्रकट वाली जगह वो पीछे थी जहाँ प्रकट हुए थे, यहाँ उनकी समाधि रख दी गई है, बना दी गई है। अभी हम आगे चलते हैं और आगे आपको दिखा देते हैं कि क्या। ओ एग्जिट, चलो भाई ये ख़त्म हो गए इधर और निकलते हैं यहाँ से बाहर। ये भाई यहाँ ये क्या बोलते हैं, निधिवन ख़त्म होता है। ये यहाँ से एग्जिट लेते हैं बाहर की तरफ। और ये देखो भाई गेट वेट, और यहाँ से एग्जिट, सबको नहीं रुक गई, भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। हम तो पहले ही भाई नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हैं, हमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी इसलिए। ये था भाई निधिवन जो हमने आपको दिखाया, अच्छे से दर्शन वगैरह करवाए। लेकिन भाई अब की बार सिक्योरिटी गार्ड वाले कुछ ज़्यादा ही हैं, तो इसलिए जितना हो पाया उतना करवा पाए। तो भाई अभी इस ब्लॉग को करते हैं ये एंड, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।